अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद इस्लाम मेहरवी। आई विल डिलीवर द लेक्चर टू फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री। सबसे पहले स्टार्ट से पढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर वन है बेसिक कंसेप्ट अबाउट केमिस्ट्री। इस तरह टॉपिक से आपको ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि हम इस चैप्टर में केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक इसके कंपोनेंट जो केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं, जिस तरह एटम, मॉलिक्यूल, आयन, मॉलिक्यूलर आयन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक साइज, आइसोटोप, मोल, एवोगाड्रो नंबर, यानी कि जो बेसिक केमिस्ट्री से रिलेट जितनी भी चीज़ें करती हैं वो सारी की सारी हम इस फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम करते हैं एटम के बारे में, क्योंकि केमिस्ट्री की जो इब्तदा है, केमिस्ट्री की जो बेसिक चीज़ है ना, वो है एटम। तो एटम से स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को। सबसे पहले एटम क्या है? इस एटम के बारे में मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ प्रिडिक्शन की थी कि एटम किसने का फलां पार्टिकल होता है, किसने का फलां पार्टिकल। शुरू में जो एटम के बारे में साइंसदानों के मुख्तलिफ ख्याल थे, उन ख्याल के मुताबिक एटम जो होता है ये एक इनडिविजिबल पार्टिकल होता है। एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, जिसका मतलब है कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो ना अपने मतलब अपने से ज़्यादा किसी और चीज़ में तकसीम नहीं हो सकता। इंडिविजिबल पार्टिकल है मतलब ये फर्ज करो एक एटम पार्टिकल है ना, ये आगे किसी और पार्ट में तकसीम नहीं हो सकता, डिवीजन इसकी नहीं हो सकती। तो शुरू में साइंसदान यही समझते थे कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो इंडिविजिबल है, जो मजीद आगे पार्टिकल में तकसीम नहीं हो सकता। तो इसके बाद मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ ख्याल पेश किए। थॉमस एक साइंटिस्ट था, उसने भी यही कहा, थॉमस ने, कि एटम जो होता है कि ये इंडिविजिबल पार्टिकल है, कि आगे मुख्तलिफ किसी मतलब मजीद सब डिवीजन इसके नहीं होती, ये मजीद किसी और पार्टिकल में तकसीम नहीं होता। फिर एक साइंटिस्ट था डाल्टन, जो कि इंग्लिश टीचर भी था स्कूल में, डाल्टन साइंटिस्ट था। इस साइंसदान ने फिर थोड़ा एटम के बारे में नज़रिया चेंज किया। इसने कहा कि एटम जो होते हैं ये डिविजिबल पार्टिकल होते हैं, अपने से ज़्यादा आगे छोटे छोटे पार्टिकल में ये तकसीम हो जाते हैं। तो थॉमस ने तो इसी नज़रिए को फॉलो किया था, लेकिन डाल्टन ने चेंज किया। इसने कहा कि एटम जो होते हैं ये डिविजिबल पार्टिकल होते हैं, मज़ीद आगे छोटे छोटे पार्टिकल में ये तकसीम हो जाते हैं। ये हिस्ट्री है थोड़ी एटम की, कि जिसके बारे में मुख्तलिफ साइंसदान कहते रहे कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है। फिर आगे साइंसदानों ने, डाल्टन ने नज़रिया शुरू किया कि एटम डिविजिबल पार्टिकल होते हैं, और हकीकत में एटम जो है ये डिविजिबल पार्टिकल है, और एक एटम जो होता है ये कहते हैं कि मोर देन 100 पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है। आगे एक एटम के अंदर 100 से ज़्यादा आगे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे जर्रे होते हैं, जिनसे मिलकर एक एटम बनता है। लेकिन 3 इसके मेन पार्टिकल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये 3 जो हैं ये एटम के बेसिक पार्टिकल हैं, बुनियादी फंडामेंटल पार्टिकल हैं, जिनसे ये मिलकर बनता है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और मजमूई तौर पे जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये तो एटम की हिस्ट्री थी कि एटम के बारे में साइंसदानों की क्या नज़र। शुरू में यही था कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है, लेकिन बाद में साइंसदानों ने जैसे मतलब आगे टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई, इसमें यानी कि एडवांसमेंट आई, तो साइंसदानों ने मुख्तलिफ माइक्रोस्कोप को यूज़ करके साबित किया कि एटम डिविजिबल पार्टिकल होता है, और ये 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ पार्टिकल से बनता है, जिसमें 3 इसके मेन फंडामेंटल पार्टिकल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन आते हैं। अब आप एटम को डिफाइन करते हैं कि असल में एटम की डेफिनेशन क्या होती है। एटम जो होता है ये इसकी डेफिनेशन इज अ पार्टिकल ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का ये छोटा सा पार्टिकल होता है, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन सम केस बट कैन नॉट
बट कैन नॉट एग्जिस्ट इन सम केसेस। एटम की डिफाइन क्या बनती है कि एक ऐसा पार्टिकल है जो बाद सूरतों में तो अपना वजूद बरकरार रखता है और बाद सूरतों में अपना वजूद बरकरार नहीं रखता। अब एटम की वो कौन सी कंडीशन है जिसमें ये अपना वजूद बरकरार रखता है और जिसमें अपना वजूद बरकरार नहीं रखता। जिन एटम के वैलेंस शेल के अंदर 8 या 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो एटम अपना वजूद बरकरार रखते हैं, और जो एटम अपने आखिरी शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रखता वो अपना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट यानी कि वजूद बरकरार नहीं रखता। तो दो तरह के एटम, जिस तरह अगर हम बात करें नियोन और हीलियम की, तो ये ऐसे एटम की एग्जाम्पल हैं, ये इंडिपेंडेंटली अपना वजूद बरकरार रखते हैं क्योंकि इनके इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिन एटम के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपना वजूद बरकरार रखते हैं। और दूसरी अगर हम बात करें तो क्लोरीन, सोडियम, हाइड्रोजन, ये ऐसे एटम की एग्जाम्पल हैं जो अपना वजूद बरकरार नहीं रखते, इनके वैलेंस शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो एटम की डेफिनेशन इससे कंप्लीट होती है कि एक ऐसा पार्टिकल होता है एलिमेंट का जो बाद सूरत में तो अपना वजूद बरकरार रखेगा और बाद सूरत में अपना वजूद बरकरार नहीं रखता। तो ये आपकी डेफिनेशन है, एटम इज अ फार स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली सम केस, कुछ केसेस में अपना वजूद बरकरार रखेगा जिनमें 8 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और सम केसेस कैन नॉट एग्जिस्ट, कुछ केसेस में एग्जिस्ट नहीं करता जिनमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो इस तरह ये एटम से रिलेटेड हमारा टॉपिक है जो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट जो है हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। किसी स्टूडेंट का वो क्वेश्चन हो तो वो डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़।